संसद में घुसकर उत्पात मचाने वाले एक युवक मनोरंजन डीआई के बारे में पता लगा कि वो मैसूर का रहने वाला है। यही नहीं, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर चुका है। जबकि मैसूर में रह रहे मनोरंजन के पिता ने जी न्यूज से बातचीत में बताया कि उनका लड़का बहुत ही सीधा साधा है। वो स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ता है। वो मुर्गियां और भेड़े सप्लाई किया करता है। सर यारे माडले नन मगने माडले इन्नोबरे माडले अदु बारी कंडेनि सर नन कंडिस्तीनि सर इदु सो बी इंजीनियर सर अदु नम्मने नम्म संसद भवन अर्थ आयता सर नावु समाजदल्लि इत्कोंडु ई केट्ट केलस माडोदु कंटिन्यू अल्वा सर। लेकिन मनोरंजन के पिता देवराजे गौड़ा ने कहा कि उनके बेटे ने जो कुछ भी किया उसकी जानकारी किसी को नहीं। संसद में स्मोक क्रैकर चलाने वाले सागर शर्मा की मां और बहन से भी जी न्यूज ने बातचीत की। आरोपी सागर शर्मा की मां ने बताया कि उनका बेटा इंटर तक पढ़ा है और फिलहाल ई रिक्शा चलाता है। सागर आपका बेटा है, आपको कैसे खबर लगी कि वो वहां पर ऐसी हरकत की है उसने? अभी आप लोग आए हैं तभी तो खबर लगी हमें, हमें तो पता भी नहीं था। कभी उसने इस तरह की चांस ऐसा हुआ कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा। कभी कोई लड़ाई झगड़ा किसी से? कोई नहीं लड़ाई, कोई तनाव नहीं, किसी बात को लेकर नाराजगी, सिस्टम से नाराजगी, सरकार से नाराजगी नहीं, कभी नहीं ऐसा महसूस? नहीं महसूस नहीं हुआ। शादी हो गई थी उसे? नहीं शादी नहीं हुई अभी। आप लोग को क्या कह के निकला था यहाँ? यहाँ से बोल रहा था कि दोस्तों के साथ काम है, जाऊंगा वही धरना प्रदर्शन के लिए, ये बताया था। कब कब निकला? अभी का नहीं बताया था, ये बताया था हमको तो यही मुझे पता है और मुझे कुछ पता नहीं है। तो आपके पति क्या करते हैं? कारपेंटर है। यानी सागर कमाने वाला दूसरा व्यक्ति? हाँ हाँ दूसरा व्यक्ति। तो अच्छी खासी ई रिक्शा से कमाई हो जाती होगी, गुजारे लायक? हाँ गुजारे लायक हो जाती है। तो फिर इस तरह की हरकत क्यों की वहाँ जाके संसद में, भगत सिंह की तरह जो भगत सिंह ने किया था? जी पता नहीं क्यों किया ऐसे, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही रह रहे हैं शुरू से ही, आम लोगों की तरह कोई काम भर की कमाई हम लोगों की कोई, और शुरू से हम लोग यहाँ ऐसे, और ऐसी कोई बात होती है वैसा मेरा बेटा होता तो आज हम यहाँ पे ना होते, अपने खुद के घर में होते और अच्छे से रह रहे होते। इस तरह का कदम उठाना ये बताता है कि कई दिनों से वो परेशान हो, मानसिक तनाव में हो या फ्रस्ट्रेशन में हो, डिप्रेशन में हो, कभी कुछ ऐसा लगा आपको? कुछ नहीं है कि ये है कि गलत बात उसको बर्दाश्त नहीं होती, बस इतना ही पता है मुझे। किस तरह की गलत बात बर्दाश्त नहीं होती? अरे जैसे इंसान जो कर रहा है झूठ बोल रहा हो, ये झूठ पे पर्दा डाल लो, ये सब चीजें, और कोई बात? सब बातों को लेकर वो गुस्सा करता है तो उसकी बस, हाँ और कोई बात नहीं। क्या उसको जैसे कोई झूठ बोल रहा है तो उसको खराब लगता है? हाँ। उसने कभी ये कहा कि कोई झूठ बोल गलत कर दे, इसी किसी के साथ हो जाता है तो ये चीज उसको बर्दाश्त नहीं होती, ये चीज है बस, उसकी आदत के बारे में मुझे ये पता है। संसद भवन के बाहर दोनों युवक युवतियों ने जिस जगह वारदात को अंजाम दिया वो जगह ट्रांसपोर्ट भवन के ठीक सामने है। वहां से संसद में अंदर जाने के लिए कई सुरक्षा चक्र का सामना करना पड़ता है, लेकिन सारे सुरक्षा के इंतजाम धरे के धरे रह गए। संसद में इस वारदात ने सदन की सुरक्षा प्रणाली को बेनकाब कर दिया। आप देखिए कि किस तरह सुरक्षा होती है, एक बात दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ पैरामिलिट्री के फोर्स होते हैं, ये देखिए संसद भवन परिसर के बाहर है, यहाँ पर सीआरपीएफ और सीआई सब, और ये जो है ये वॉच एंड वार्ड है, मैं चला जा रहा हूँ, ये वॉच एंड वार्ड है, आप समझ रही ना, ये वॉच एंड वार्ड है जो पार्लियामेंट के सिक्योरिटी होते हैं, ये बाहरी फोर्स होता है जो दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जमीन होता है, अंदर की पूरी सिक्योरिटी वॉच एंड वार्ड के होता है। सुरक्षा कर्मियों की चेकिंग के बाद गेट के अंदर घुसते ही विजिटर पास की चेकिंग होती है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर कोई भी विजिटर आता है उसके बाद ये गेट है, ये जिस तरह से लोग जा रहे हैं इसी तरह से विजिटर जाते हैं, और उनका पास यहाँ पर एक मशीन है वहाँ पर चेक किया जाता है, पास वेरीफाई होने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जाता है। संसद परिसर में दाखिल होने के लिए ये तो पहला पड़ाव है जहाँ पर पहली चेकिंग होती है, लेकिन इसके बाद संसद में दर्शक दीर्घा तक पहुँचने से पहले 4 से 5 जगह पर चेकिंग की जाती है, और हर चेकिंग पॉइंट पर हाईटेक मशीनों से और मैनुअली जांच और तलाशी ली जाती है। वॉच एंड वार्ड वो साफ तौर कहते हैं कि आप कोई मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे, कोई पेपर लेकर नहीं जाएंगे, सिर्फ पास लेकर जाएंगे, उसके बाद अंदर में एक
बड़ा सा कमरा है, वहाँ पर सिक्योरिटी के सीआरपीएफ के लोग होते हैं, सीआईएसएफ के लोग होते हैं और वॉच एंड वार्ड होते हैं, उनकी पूरी वहाँ फ्रिस्किंग होती है, मैनुअल भी होती है और यंत्र द्वारा भी, मशीनों द्वारा भी होती है। उसके बाद अंदर की तस्वीर दिखाना ठीक नहीं है, 100-150 मीटर वो अंदर जाते हैं, फिर जो नया संसद भवन बना है वहाँ पर एक जो विजिटर के लिए द्वार बना है, उस विजिटर के द्वार पर भी फ्रिस्किंग होती है, वहाँ भी चेक होता है, दो दो बार चेक होता है। उसके बाद सीढ़ी से जाते हैं चढ़कर, जो लोकसभा गैलरी में जाना है या राज्यसभा गैलरी में, जहाँ पर गैलरी में जाते हैं वहाँ एक बार फिर से फ्रिस्किंग होती है। ऐसे में चारों शख्स इतनी ज्यादा तलाशी और जांच के बावजूद कैसे स्मोक क्रैकर लेकर अंदर पहुंच गए और आसानी से वारदात को अंजाम दे दिया। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद संसद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी और नई संसद की सिक्योरिटी तो और भी आधुनिक और मजबूत बनाई गई है। संसद की नई इमारत में घुसने से पहले गेट पर ही पूरी जांच की जाती है और पहचान पत्र या विजिटर्स पास की पूरी जांच के बाद ही किसी को अंदर जाने दिया जाता है। नए संसद भवन में थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगाया गया है जिसके जरिए किसी भी तरह की घुसपैठ का पता लगाया जा सकता है। साथ ही जगह जगह फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो किसी भी संदिग्ध को देखते ही सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट कर देते हैं। साथ ही संसद भवन की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक हथियार और उपकरण दिए गए हैं। साथ ही संसद परिसर में कमांडोज की यूनिट भी तैनात रहती है जो किसी भी इमरजेंसी से निपटने में सक्षम है। संसद में आने वाले मेहमानों, गाड़ियों और कर्मचारियों की कई स्तरों पर जांच की जाती है। संसद सदस्यों और संसद के कर्मचारियों को डिजिटल चिप से लैस आईडी कार्ड दिए गए हैं जिनमें उनकी सारी जानकारी दर्ज है, लेकिन इतनी चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद सदन के अंदर तक पटाखे लेकर पहुंचना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जरूरत है कि नए संसद भवन की सुरक्षा की फिर से समीक्षा की जाए और सुरक्षा कर्मियों को ज्यादा मुस्तैद किया जाए और कमियों को दूर किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। जी न्यूज़।